नेक्स्ट थ्योरम देखें, प्रिंसिम्स थ्योरम। इफ ए सीरीज एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन ऑफ पॉजिटिव मोनोटोनिक डिक्रीजिंग टर्म कन्वर्जिज, देन नॉट ओनली लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू जीरो बट ऑल्सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन टाइम्स ए एन इज इक्वल टू जीरो। क्या कहती है ये थ्योरम? अगर कोई इन्फाइनाइट सीरीज है, पॉजिटिव टर्म की सीरीज है और उसकी टर्म्स हैं वो डिक्रीजिंग टर्म्स हैं, तब उसकी nth टर्म जीरो के ऊपर तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ उसकी nth टर्म को n से मल्टीप्लाई कर दें तो भी जीरो के ऊपर जाएगी। इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम मान लेते हैं कि कोई जो स्टूडेंट है, अगर उसने 10th पास कर रखी है, अगर वो पढ़ाई में पॉजिटिव रहा है, अच्छा रहा है, पॉजिटिव रहा है, अगर उसकी गलती करने की जो संभावनाएं हैं वो कम होती जा रही हैं, तो वो अपना नाम तो लिख ही सकता है, इसके साथ साथ अपने परिवार का हर सदस्य का नाम लिख सकता है। इस ये यहाँ ना कोई स्टूडेंट है ना कोई 10th का कोई कंसेप्ट है, लेकिन इस इन थ्योरम्स को समझने के लिए हम इनका यूज कर रहे हैं। तो इसके प्रूफ को हम देखें। वी नो दैट समिशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एम बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर सच दैट मोड ऑफ ए एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, और इसको हम कह दें कंडीशन वन। सिंस सीरीज एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन इज डिक्रीजिंग सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, अगर ये डिक्रीजिंग सीरीज है तो इसका मतलब क्या है कि जो n बड़ा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स छोटी होगी। तो इसका मतलब क्या है? सो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, ए एन लेस देन m प्लस वन, ए एन लेस देन m प्लस टू, ए एन लेस देन और इक्वल टू n, और इन सब को हम ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, और ये कितनी टर्म्स हैं, n माइनस m टर्म्स हैं ये, क्योंकि n माइनस m कैसे हैं, क्योंकि यहाँ हम देखें कि जो हमारे पास जो सम था s n था उसमें से m टर्म्स को निकाल दिया, तो m प्लस वन से शुरुआत हो रही है, तो ये जो टर्म है ये n माइनस m टर्म्स हैं। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये जो इस लेफ्ट साइड है ये a n प्लस a n प्लस a n n माइनस वन टाइम्स ऐड हो जाएगा, और ये लेस देन इक्वल टू ए एम प्लस वन प्लस ए एम प्लस टू प्लस एंड सो ऑन प्लस ए एन, ये हो जाएगा, और ये सेम है तो ये हो जाएगा n टाइम्स n माइनस m टाइम्स ए एन, और ये इससे लेस हो जाएगा, और फिर हम दोनों तरफ इसका मोड ले लें, दोनों तरफ मोड ले लें। सिंस ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन, दिस इम्प्लाइज दैट हम दोनों तरफ मोड ले लेते हैं, और जर्नली हम मोड नहीं ले सकते हैं, ये पॉजिटिव है तभी ये इनइक्वलिटी ऐसे ही रहेगी अगर मोड लेते हैं। तो एक बात हम यहाँ समझ लें कि अगर यहाँ है माइनस टू है वो माइनस वन से लेस रहता है हमेशा, लेकिन मोड करते हैं तो माइनस टू है वो ग्रेटर हो जाता है, तो यहाँ पॉजिटिव है इसलिए हम ऐसा लिख पा रहे हैं, मीन्स इनइक्वलिटी सेम रहती है। तो इस पे हमने मोड लगाया, इस पे हमने मोड लगाया, अब इसका हम यूज कर लें, इक्वेशन वन का हम यहाँ यूज कर लें, तो ये जो क्वांटिटी है इसका मोड लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो यहाँ से अब हम क्या करें, इसमें से जीरो सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन ए एन को दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया और माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एम। तो ये क्या डेफिनेशन है, ये तो लिमिट की डेफिनेशन है, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है, दिस इम्प्लाइज दैट
ये जो है इसकी जो लिमिट है ये ज़ीरो होगी, क्योंकि ये होता है ए एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो, तो ए एन है ये एल के ऊपर कन्वर्ज करती है, तो ये हाँ ज़ीरो है, तो ये है इसकी लिमिट होगी, ये ज़ीरो होगी। और ये जो लिमिट है ये दोनों पे ऑपरेट कर दें, दोनों पे ऑपरेट करेंगे तो ये ऐसे लिखी जाएगी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब एम को बाहर निकाल लें, एम कोई फाइनाइट नंबर है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट एन, यहाँ क्या हो जाएगा एम से बाहर निकालने से लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ क्या है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन टाइम्स ए एन है, और यहाँ बाहर निकाल लिया एम, ये है ए एन है। अब क्योंकि जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, तो उसकी nth टर्म हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो तो ज़ीरो के ऊपर जाती है, बट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज़ ज़ीरो बिकॉज दिस इज़ कन्वर्जेंट, सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, ये तो ज़ीरो के ऊपर जाएगी जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम कर देंगे ज़ीरो, और ज़ीरो करने के बाद ये हमारे पास क्या आया लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन टाइम्स ए एन माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन टाइम्स ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारे पास थ्योरम थे। और इसके नोट और देख लेते हैं, नोट फर्स्ट, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल टाइप ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कोई भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी तो उसकी उस हरे कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए ये कंडीशन तो हमेशा होल्ड करेगी हर सीक्वेंस के लिए, बट एक कन्वर्जेंट सीरीज, यहाँ सीरीज की बात कर रहे थे हम, बट एक कन्वर्जेंट सीरीज ऑफ पॉजिटिव मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग टर्म्स सेटिस्फाई द एडिशनल कंडीशन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन टाइम्स ए एन इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर कोई पॉजिटिव टर्म सीरीज है और मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग है और वो कन्वर्जेंट है, तो ये उसके पास ये एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होगी। और सेकेंड नोट, इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन टाइम्स ए एन इज नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो, दिस इम्प्लाइज दैट समीशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन इज डाइवर्जेंट। इसका मतलब क्या है, अरे अगर वो कोई स्टूडेंट है अपने हरेक जो फैमिली मेम्बर है उसका नाम नहीं लिख पाता, तो इसका मतलब क्या है कि उसने दसवीं पास नहीं की हुई है, मीन्स जो सीक्वेंस है वो डाइवर्जेंट होगी, मीन्स कन्वर्जेंट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ हम देखें कि ये हमारे पास हमने प्रूव की थी समीशन एन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन इज डाइवर्जेंट एज, अगर इसको हम एन से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आएगा वन, विच इज नॉन ज़ीरो। और थर्ड नोट की हम बात करें, इफ लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन टाइम्स ए एन अगर ज़ीरो है, अगर कोई जो स्टूडेंट है अगर वो अपने परिवार के हर सदस्य का नाम लिख देता है, तो भी इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि उसने दसवीं पास कर रखी हो, मीन्स लिमिट समीशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन इज कन्वर्जेंट। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई सीरीज है और ये nth टर्म को हम उठाएं और इसके ऊपर लिमिट लगाएं, तो ये तो ज़ीरो के ऊपर चली जाती है, लेकिन ये जो सीरीज है ये कैसे सीरीज है, ये डाइवर्जेंट सीरीज है।